सो हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के सेशन में मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त स्मृति कांडपाल। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आपके लिए टास्क है और वो टास्क काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मैं पुट अप करूँगी वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, आपको उसका आंसर देना है। फर्स्ट टू कमेंट्स आएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे, उनको हाईलाइट करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे और करेक्ट आंसर होना चाहिए। और सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है आपको, आपको पूरा आंसर लिखना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन के साथ सही आंसर देगा और वो भी फर्स्ट टू कमेंट्स में आएगा उसका नेम हाईलाइट किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे सैनिटाइजर्स तो ज़रूरी हैं ही, पर उसके साथ साथ हमारी एक ज़रूरत है, वो है हैंड वॉश। क्योंकि हैंड वॉश का हम घर में प्रयोग करते हैं, हम हर जगह हैंड वॉश का यूज़ करते हैं, तो एक अच्छा हैंड वॉश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे एक दिन में हमको 10 से 15 बार हैंड वॉश का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो हैंड वॉश अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड वॉश अच्छा कैसे हो सकता है? एक अच्छा हैंड वॉश वही होता है जो पीएच बैलेंस्ड हो, जो आपके हाथों को मॉइस्चराइज करे, नरिश करे, आपके हाथों को रफ ना बनाए। तो एक हैंड वॉश है हमारे पास जो है मोदी केयर का सोफ वॉश हैंड वॉश। सो फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर का सोफ वॉश हैंड वॉश, आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ये काफ़ी अच्छा है। ये मोदी केयर ब्रांड का सोफ वॉश हैंड वॉश है और इसमें सारी वो खूबी है जो एक अच्छे हैंड वॉश में होनी चाहिए। तो एक अच्छा हैंड वॉश पीएच बैलेंस्ड होता है, वो है। उसके बाद यह हाथों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करता है, वो भी ये करता है। उसके बाद सिर्फ ये यही दो काम नहीं करता, ये दो और काम करता है, मतलब ये तीन अच्छे काम करता है और इसको एक अच्छा हैंड वॉश बनाता है। ये एक शार जेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बबल बाथ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए खेल जैसा हो जाता है अगर ये बबल बाथ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल काफ़ी सारे हैंड वॉश हैं मार्केट में और अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड्स के, और दावा क्या करते हैं, 99.9% जर्म किल करने का दावा करते हैं। तो क्या वाकई में वो 99.9% जर्म किल कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे हैंड वॉशेस होते हैं, एक हैंड वॉश अगर आपको जर्म किल करने का मिल रहा है या फिर एक अगर आपको सिंपल पीएच बैलेंस वाला मिल रहा है, तो वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी सेंस ऑर्गन होती है, और अगर हमारी स्किन को कुछ हो गया, कुछ फिशर्स अगर हमारी स्किन में आ गए, तो हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो एक अच्छा हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसा हैंड वॉश है जो ये तीन काम करे, एक अच्छा पीएच बैलेंस के साथ हो और एक अच्छा शार जेल की तरह हो और एक बबल बाथ की तरह हो। तो ये तीन काम मोदी केयर का सोफ वॉश हैंड वॉश करता है, और शायद ही कोई मार्केट में कोई करता होगा। तो आइए देखते हैं मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि मोदी केयर का सोफ वॉश हैंड वॉश इतना ज़्यादा अच्छा और शानदार है। तो आइए लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेमॉन्स्ट्रेशन। तो डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल पानी लेंगे, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो है। तो मैं ड्रिंकिंग वाटर को उसमें डाल रही हूँ हल्का सा, और इसमें भी डाल रही हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक कॉम्पिटिटर ब्रांड का, आप सब जानते होंगे, कॉम्पिटिटर ब्रांड का हैंड वॉश ले रही हूँ, और एक है हमारा मोदी केयर का सोफ वॉश हैंड वॉश। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक। तो नमक हम क्यों डालते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पुटअप करने वाली थी टास्क के लिए, वो आपसे पूछती हूँ। तो स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो स्क्रीन पे आपका लिखा है कि मोदी केयर सोफ वॉश हैंड वॉश में क्या तीन चीज़ें हैं जो उसको एक मार्केट के ब्रांड से अलग बनाती हैं। तो आंसर फटाफट से आप देखिए, सही आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स पे, और फिर हाईलाइट होने का मौका पाए। सो फ्रेंड्स, जो नमक है हमारा, वो नमक क्यों डाल रही हूँ मैं, आपको अंदाज़ा आ रहा होगा हल्का हल्का, मैं नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा नमक है, वो जो हमारा पसीना होता है बॉडी में, उसमें भी नमक पाया जाता है, वो भी सॉल्टी नेचर का होता है, गंदी बदबू आती है उसमें से। और हम हाथों की सफाई क्यों करते हैं, हम हाथों की सफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे हाथों में जो गंदगी है, गंदी दुर्गंध है, बदबू है, और हाथों में जो जर्म्स हैं वो हमारे निकल पाए, हैंड वॉश से वो साफ हो पाए। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैं हल्का सा नमक यहाँ पर डालूंगी एक में, और इक्वल अमाउंट में मैं यहाँ पर भी डालूंगी,
मैं करने वाली हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपल इसको स्टर कर लूंगी हल्का सा, और एक स्टरिंग मैं यहाँ पे भी कर लूंगी। दोनों को मैंने आपस में स्टर कर दिया। अब मैं यहाँ पे मोदी केयर सोप वॉश हैंड वॉश डाल रही हूँ, और एक में हम डाल रहे हैं ये मार्केट का ब्रांड, जाना माना मार्केट का ब्रांड है, आपको पता चल रहा होगा, इसको भी मैंने डाल दिया है, उतने ही अमाउंट में डाला है मैंने। तो अब हम एक को स्टर कर रहे हैं अच्छे से। ये है मोदी केयर का सोप वॉश हैंड वॉश, इसको स्टर कर रही हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं इसे भी स्टर कर रही हूँ जो हमने मार्केट का ब्रांड लिया था जाना माना। तो आपको कुछ अंदाज़ा आ रहा होगा, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये फोमी नेचर का हो गया है, एक साबुन के फॉर्म में ये आ चुका है। तो आप दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो, खुद अंदाज़ा आ रहा होगा कितना अलग है ये इससे। एक है हमारा ये, आप देख रहे हैं कैसी वैक्सी सी लेयर इसने बना दी है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर ये वैक्सी लेयर जो है ये अगर हमारे हाथों में चिपकेगी तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना नुकसान होगा, हमारे जो हाथों के पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और अगर हमारे हाथों के पोर्स बंद हो गए तो हमारी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाएगी, और अगर वो सांस नहीं ले पाएगी तो जो इचिंग है, जो और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी हाथों में क्या पूरी बॉडी में ही आना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं थोड़ी देर इसको और छोड़ दूँ ना तो ये पूरा वैक्स और प्लास्टिक बन जाएगा। आप समझ जाओगे, अगर मैं हाथ में इसको पकड़ूँ तो देख रहे होंगे आप कैसा ये नेचर का हो गया है, ये दिख रहा होगा आपको। ये है मार्केट के ब्रांड की असलियत, ये है मार्केट के ब्रांड का सच, जो हमको टीवी या एड से नहीं दिखता, जो हमको कहीं भी कोई नहीं बताता, टेक्निकलिटी कोई नहीं बताता। अगर हम यही चीज़ यूज़ करेंगे तो हम कितनी सारी चीज़ें हाथों में लेते हैं, आज हमको 10 बार 20 बार यूज़ करना पड़ रहा है हैंड वॉश, और अगर हम ऐसा हैंड वॉश इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चों पे क्या असर होगा इसका। तो हम सोचते ना कि बच्चों को ये बीमारी कैसे हो गई, वो कहीं से नहीं आती, जो हम बेसिक चीज़ें, जो रेगुलर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसी से वो शुरू होती है। तो आपको समझना है, आपको जानना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन सा हैंड वॉश बढ़िया है। तो ये था आज का डेमोन्स्ट्रेशन, होप आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और वीडियोस जाननी है और वीडियोस देखनी है इस डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड या सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली और वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने कमेंट्स डालना ना भूलें, कमेंट्स डालिए, जो सबसे सही आंसर होगा, फर्स्ट 2 कमेंट्स होंगे उनको हाईलाइट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।